पाकिस्तान हालिया इतिहास के सबसे भीषण बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है, लेकिन वहां के लोग अपनी घिनौनी हरकत से पास नहीं आ रहे। बाढ़ के कारण अपना उमरकोट में घर छोड़कर सड़क पर रह रही हिंदू महिलाओं ने रेप के प्रयास का आरोप लगाया है। ट्विटर पर वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी ने आरोप लगाया है कि ऐसे समय में जब पाकिस्तान बहुत कठिन समय में है, तब अल्पसंख्यकों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्वीट में कहा गया है कि बाढ़ के कारण उमरकोट के हिंदू अपना घर बार छोड़कर सड़क पर रह रहे हैं। उन्होंने शिकायत की है कि उनकी महिलाओं के साथ गुंडों ने रेप के प्रयास किए, हालांकि चिल्लाने के बाद गुंडे वहां से भागने में सफल रहे। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार काफ़ी बढ़ा है। हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करा के उनसे शादी करना आम बात है। वहीं इनकार करने पर कई हिंदू लड़कियों को कत्ल किया जा रहा है। पिछले महीने एक हिंदू लड़की करीना कुमारी का अपहरण कर लिया गया और उनका जबरन धर्मांतरण करा लिया गया। इससे पहले ऐश्वर्या नाम की हिंदू लड़की को भी अगवा कर लिया गया। जुलाई में 13 साल की एक हिंदू लड़की सिमरन को अगवा कर लिया गया। इसके खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय ने कराची प्रेस क्लब में विरोध प्रदर्शन किया और उनकी सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। विडंबना यह है कि हिंदू लड़की की हत्या के बाद भी केस को रफा दफा कर दिया जाता है और मुजरिम को छोड़ दिया जाता है। इसी साल जुलाई में अपहरण का विरोध करने वाली पूजा कुमारी की हत्या कर दी गई। इसके बाद स्थानीय जिगरा कोर्ट ने 28 लाख रुपए में मामले को रफा दफा कर दिया। सिर्फ हिंदू ही नहीं, ईसाई समुदाय के लड़कियों के साथ भी पाकिस्तान में अत्याचार बढ़ा है। हाल ही में एक ईसाई लड़की ने अपने साथ हुआ यौन दुर्व्यवहार की आपबीती सुनाई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।